गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये गाजरी कलर के रोज़ आए हैं आज एक, और ये देखिए आज इसमें मैरून कलर वाले में आज बहुत चार कली आई हैं इस तरह से, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये वाइट वाले में तो मैंने आपको कल दिखाया था, इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। और ये येलो कलर के ये देखिए, ये वाइट कलर के ही हैं और ये पिंक कलर के हैं, लाइट पिंक कलर के। तो चलिए मैं एक जोरा का प्लांट मेरा दिखाती हूँ आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक जोरा का प्लांट है और फ्लावरिंग पे आ गया है। और मैंने तीन प्लांट खरीदे थे, भैया ने मुझे कहा था कि सब अलग अलग कलर के हैं, लेकिन तीनों बिल्कुल एक ही कलर के हो गए फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं ख़रीदी थी तब फ्लावरिंग नहीं हुई थी। तो ज़्यादातर आप कोशिश यही कीजिए कि जिन प्लांट में फ्लावरिंग होती है उसी प्लांट को आप ख़रीदिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि कौन से कलर के हैं। और जब मैंने इसे ख़रीदा था तो प्लांट बिल्कुल छोटे छोटे से थे, और देखिए अभी कितना बूसी हो गया है। और डॉर्फ वैरायटी के एक जोरा हैं, इसमें बंचेज में छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं, और तीन प्लांट है, और देखिए तीनों कितना हेल्दी है। ये देखिए मैंने बिल्कुल छोटे से पॉट में लगाया, ये तो 3 इंच का पॉट है, और ये देखिए कितना अच्छा है। और ये देखिए 4 इंच का पॉट है, और ये काफ़ी है फ्रेंड्स इसके लिए। तो मेरा अनुभव ये है कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट एक जोरा का डॉर्फ वैरायटी वाला लाएं, तो उसे बिल्कुल छोटा पॉट दीजिए, आप ज़्यादा बड़ा पॉट मत दीजिए, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो देखिए मेरा प्लांट कितना अच्छा है और कितना बूसी भी है देखिए, और छोटा सा पॉट में लगा हुआ है। तो मैं तो अभी इसे इसी में रहने दूंगी, बाद में जब ये बढ़ जाएंगी तब मैं इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह की मिट्टी हम एक जोरा के प्लांट को दें। एक एक जोरा मैंने और अभी बीच में आपको शॉपिंग में दिखाया था, ऐड किया है, वो बड़े पत्तियों वाला है, ये छोटी पत्तियों वाला है, डार्क वैरायटी है और लॉन्ग वैरायटी का है। इसकी मिट्टी बिल्कुल आप वेल ड्रेन तैयार कीजिए, कि जब भी आप वाटरिंग करें तो पानी गमले में खड़ा ना हो, ड्रेन आउट अच्छे से हो जाए। और इसके फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत, कितने ब्यूटीफुल, छोटे छोटे से बंच में आते हैं फ्लावर इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अभी तो आप एक जोरा के प्लांट ऐड मत कीजिए, क्योंकि फरवरी में इनकी ग्रोथ पीरियड अच्छी होती है, तो आप फरवरी में ऐड कर लीजिए। मैंने रेनी सीजन में ही किया था, मुझे लगभग 3 महीने तो हो ही गए होंगे इसे ऐड किए। और विंटर में क्या है, इनका डोरमेंसी में चले जाते हैं ये प्लांट, और ये परमानेंट प्लांट है, साल भर फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। तो मैंने इसकी मिट्टी इसी तरह से तैयार की थी, एक भाग कंपोस्ट, एक भाग सेंड, एक भाग गार्डन की मिट्टी, और एक मुट्ठी नीम खली और 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर, और थोड़ा सा मैंने सीवीड ग्रेनुअल भी डाल दिया था। तो इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी। तो आप बिल्कुल ऐसी ही मिट्टी तैयार कीजिए, और प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। और फ्रेंड्स, मैं इसे बिल्कुल सनलाइट में रखती हूँ, अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर लाया है, लेकिन ये सनलाइट में ही रहते हैं, सुबह की अच्छी धूप इनको मिलती है, तो आप इसे सनलाइट में ही रखिए, और ऐसे जगह पर ज़्यादा मत रखिए जहाँ पर पूरे दिन की धूप मिलती हो, और फ्लावरिंग भी अच्छा करेगा इस तरह से। और इसे हम किस प्रकार के खाद दें, वाटरिंग कैसे करें, तो फ्रेंड्स इस प्लांट को, यह मॉइस्चर लविंग प्लांट है, कि इसके गमले की जो मिट्टी है वो बिल्कुल नमी बनाए रहे, तो आप अपने गमले की मिट्टी बिल्कुल चेक करके इसमें वाटरिंग कीजिए, यह प्लांट बिल्कुल सूखे ना, नहीं तो आपकी मिट्टी यदि मॉइस्चर होल्ड नहीं करेगी तो प्लांट की हालत भी ठीक नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप इसकी वाटरिंग करें, और किस तरह से इसको खाद हम दें, तो मैं फ्रेंड्स इसको सीवीड ग्रेनुअल देती हूँ, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे ग्रेनुअल फॉर्म में हो। इसके गमले में 1 मुट्ठी, अगर बड़ा गमला है तो 2 चम्मच, 1 मुट्ठी नहीं 2 चम्मच, और ये फ्रेंड देखिए मेरा ये छोटा गमला है, तो मैं इसमें 1 चम्मच डाल देती हूँ। ये तीनों प्लांट पे मैं 1-1 चम्मच ग्रेनुअल दे देती हूँ, मैं अभी दिखाऊंगी आपको डालकर, और इस तरह से। और बीच बीच में मैं वर्मिक कंपोस्ट भी अप्लाई कर देती हूँ, जब सभी प्लांट को देती हूँ तो वर्मिक कंपोस्ट भी इसमें डाल देती हूँ, और मैं और तो कुछ फर्टिलाइज़र मैं इनको नहीं देती हूँ।
तो इस तरह से आप इसको फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। और पेस्ट अटैक वगैरह फ्रेंड्स इसमें तो होता नहीं है। और बंच में फ्लावर आते हैं, देखिए इनके इस तरह से कितने खूबसूरत, कितने छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने सोचा था फ्रेंड्स कि तीनों अलग अलग कलर्स के होंगे, लेकिन तीनों, मुझे लगता है तीनों एक ही कलर के हो गए हैं, क्योंकि इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसमें भी रेड कलर के ही फ्लावर आए हैं, तो तीनों प्लांट रेड कलर के ही हो गए। खैर कोई बात नहीं, फ्लावरिंग तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह से आप इनकी देख रेख कर सकते हैं। वाटरिंग का बिल्कुल ख्याल कीजिए इस प्लांट में। और ग्रोथ देखिए फिर आपके प्लांट की कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। देखिए मेरा प्लांट कितना बूसी, कितना हेल्दी है तीनों प्लांट। और ये सनलाइट में रहते हैं, दिन के आधे दिन से ज़्यादा की इसको सनलाइट मिलती है। तो इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। और मई और जून में फ्रेंड्स इसको बिल्कुल सनलाइट में मत रखिए, फुल सनलाइट में ऐसे जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ इसको आधे दिन की ही धूप मिले, पूरे दिन की धूप ना मिले। और इनमें पेस्ट अटैक तो बिल्कुल नहीं होता है, मेरे प्लांट में अभी बिल्कुल भी पेस्ट अटैक नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी आप बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे जब सभी प्लांट को करते हैं, तो इसे भी नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, ये फ्लावर्स आपके गार्डन में चार चांद लगाएंगे। और देखिए मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा ये फ्लावर छोटे छोटे बंच में। तो इस तरह से आप एक जोरा की देखभाल कर सकते हैं। यह रफ एंड टफ प्लांट है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, सिर्फ वाटरिंग का बिल्कुल आप ख्याल कीजिए और फर्टिलाइज़र का ख्याल कीजिए। तो चलिए मैं आपको डालकर दिखाती हूँ, सीवीड ग्रेनवल अभी मैं डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये एक चम्मच लिया है सीवीड ग्रेनवल, और बस इसे गमलों के चारों तरफ इस तरह से आपको डाल देना है, इस तरह से। और बस इस तरह से आप थोड़ा हल्के हाथों से थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए। तो बस फ्रेंड्स आपको इतना ही केयर करना है एक जोरा में। आप एक जोरा एक बार ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए और देखिए आपको कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिलेंगे। तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि एक जोरा के प्लांट को हम अपने गार्डन में कैसे ऐड किए करें, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, वाटरिंग कैसे करें, फर्टिलाइज़र कौन कौन सी दें। तो फर्टिलाइज़र में आप बिल्कुल सीवीड ग्रेनवल दीजिए, बीच बीच में फंगीसाइड पाउडर का जब सभी प्लांट में स्प्रे करते हैं तो इसमें भी स्प्रे कर दीजिए। और देखिए फिर आपके प्लांट कितने खूबसूरत, कितने हेल्दी, जिस तरह से मेरे प्लांट हैं देखिए। और इनको छोटा पॉट ही दीजिए, ये डॉर्फ वैरायटी के हैं तो इनको आप बिल्कुल छोटा पॉट ही दीजिए। और बड़ा वाला भी मेरे पास लॉन्ग वैरायटी का भी है, लेकिन अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको। तो बस फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक यही था कि एक जोरा की देख रेख हम कैसे करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये एक चम्मच लिया है सीवीड ग्रेनवल, और बस इसे गमलों के चारों तरफ इस तरह से आपको डाल देना है, इस तरह से। इस तरह से मेरे प्लांट हैं देखिए, और इनको छोटा पॉट ही दीजिए, ये डॉर्फ वैरायटी के हैं तो इनको आप बिल्कुल छोटा पॉट ही दीजिए। और बड़ा वाला भी मेरे पास लॉन्ग वैरायटी का भी है, लेकिन अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको। तो बस फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक यही था कि एक जोरा की देख रेख हम कैसे करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।